friends, welcome to Vidyug. I am your mathematics mentor and Vidyug gladly presents you Vega. In this video, we will discuss about revisiting irrational numbers and theorem 1.3. So, chalo, let's get started revisiting irrational numbers. तो सबसे पहले देखते हैं कि irrational numbers क्या होते हैं. They are defined as the real numbers that cannot be represented as a simple fraction. ठीक है, ये real numbers की category में ही आते हैं, लेकिन ये ऐसे type के number होते हैं जिन्हें fraction यानी कि p by q form में नहीं represent किया जा सकता. Irrational numbers के कुछ example है root 2, pi, 1 upon root 2 and root 6. Where, अब ये जो fraction है p by q form, p और q इंटीजर्स होने चाहिए एंड q मस्ट नेवर बी इक्वल टू जीरो, यानी कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो. इससे हम ये कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर्स आर द ऑपोजिट ऑफ रैशनल नंबर्स. यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, इरेशनल नंबर का एक एग्जांपल है पाई. अब हम यूजुअली देखते आ रहे हैं पाई को तो हम 22/7 के फॉर्म में लिखते हैं या फिर 3.14 के फॉर्म में लिखते हैं. तो एक्चुअल में क्या होता है, पाई की एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं है. इट इज द क्लोजेस्ट फ्रैक्शन नियरेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई. इसीलिए हम हमारे प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो, हम 22/7 को पाई कंसीडर करके सॉल्व करते हैं. तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पाई इरेशनल नंबर ही है एंड इट कैन नॉट बी रिटन इन अ पी बाय क्यू फॉर्म. ठीक है, अब हमने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया. इस इरेशनल नंबर को देख के हमें हमारी माइंड की रैशनैलिटी नहीं खोनी है, हमें रेशनली इरेशनल नंबर्स को एनालाइज करना है. तो चलो थ्योरम 1.3 देखते हैं. थ्योरम का स्टेटमेंट है लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स e स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर. अब हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले कहा गया है कि p प्राइम नंबर है. जब a स्क्वायर को p डिवाइड करता है देन जरूरी है कि p a को भी डिवाइड करे, और यहाँ पर a एक पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर से हम डील नहीं कर रहे हैं. तो इस थ्योरम का प्रूफ चलो देख लेते हैं. इससे भी हमें काफी सारी चीजें लर्न करने को मिलेगी जो कि काफी लॉजिकल है, और आपको थोड़े बहुत प्रूफ्स एक्चुअल में कैसे होते हैं ये भी समझ में आ जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a बी एज फॉलोज. यहाँ पे क्या हो रहा है, हम a के प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं. अब a एक ऐसा नंबर है जिसके हम अज्यूम कर रहे हैं 1, 2, 3 ऐसे करके n प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं. तो हम इन प्राइम फैक्टर्स को क्या नाम दे रहे हैं, P1, P2, 2 till Pn. अब यहाँ पे P1, P2 till Pn are primes not necessarily distinct. अब not necessarily distinct का मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो 4 के प्राइम फैक्टर्स जो कि है 2 into 2. 2 दो बार रिपीट हो रहा है तो ये not necessarily distinct है क्योंकि ये इक्वल हो सकते हैं. और कुछ केस में जैसे कि 6 है तो यहाँ पे 2 into 3 ये दोनों भी प्राइम्स डिस्टिंक्ट है. तो प्राइम फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट हो, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. तो हमने a का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है. अब a के प्राइम फैक्टर्स तो निकाल लिए, चलो देखते हैं a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे. लेट्स टेक स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स. तो हमें क्या मिलता है, a स्क्वायर इक्वल्स टू P1 square, P2 square till Pn square. अब P1 square, P2 square till Pn square का मतलब भी होता है कि P1, P2 till Pn a square के factors हुए, क्योंकि वो square हो या cube हो, ये तो basic prime factors ही होंगे ना. Therefore, we are given that P divides a square. ये हो गए a square के factors. ठीक है, अब हमें दिया क्या गया है कि p एक ऐसा नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड करता है. अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज करके हमें क्या पता चलता है कि p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ a. क्यों, क्योंकि p एक प्राइम नंबर है ये दिया गया है,
एंड पी इज डिवाइडिंग ए स्क्वायर, तो हम ये कहते हैं कि पी इज ऑल्सो द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ये प्रूव कर लिया कि पी इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, लेकिन हमें यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये समझाती है कि पी ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स सिर्फ पी वन पी टू टिल पी एन ही हो सकते हैं, क्योंकि इससे आगे और कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो हमें क्या समझ में आता है इससे कि पी वन पी टू टिल पी एन इन कोई नंबर्स में से एक नंबर होगा, ठीक है, इससे ये समझ में आता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब ए के प्राइम फैक्टर्स पी वन पी टू टिल पी एन है और P इन प्राइम फैक्टर्स में से कोई एक प्राइम फैक्टर है, तो हम ये कह सकते हैं कि P also divides A, hence it is proved। यही तो प्रूफ था, हम घुमा फिरा कर एक्चुअल पॉइंट में आ गए जो हमें प्रूव करना था। आपको अगर अच्छे से ये प्रूफ समझना है, एक बार फिर से खुद से माइंड ओपन करके ये थ्योरम रिवाइज कीजिए। अब इसे थोड़ा और क्लैरिटी लाने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स टेक a equals to 9 एंड p equals to 3। अब 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 3 into 3 एंड 9 को स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिलता है, 81, which is equals to 3 into 3 into 3 into 3, यानी कि 4 बार 3। It means that 3 can divide 9 and also the square of 9, that is 81। यहाँ पे 9 divided by 3 हमें 3 मिलता है and 81 divided by 3 हमें 27 मिलता है। तो यही था practical application of theorem 1.3। मैंने आपसे पहले भी कहा था, irrational numbers को देख के अपना mind irrational बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान से पढ़िए, आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। Keep watching, keep learning, bye!